सो गाइस, आज की हमारे वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कितना भी आपका फेस डार्क क्यों ना हो बट आप उसे ना कुछ इस टाइप से स्मूथ कर सकते हो। जी गाइस, तो आज हम करने वाले फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग। तो गाइस, आप इस फोटो को देखिए कितना सा डार्क एंड फटा हुआ है और सिंपली हमने कुछ इस टाइप से इसका फेस स्मूथ एंड यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सा फोटो को HD में एडिट किया है। अब आप भी करना चाहते हैं इसी टाइप का फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग तो वीडियो उस लेकर लास्ट तक देखना, तो आप आसान स्टेप्स में सीख जाएंगे कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हैं, फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, आपको जिस भी फोटो को फेस स्मूथ करना है, फोटो सेलेक्ट कर लेना है, देन उसको सबसे पहले आपको ऐड करना है अपने स्नैपसीड ऐप में। ठीक है, तो गाइस जैसे कि इसको हम ऐड कर लेते हैं स्नैपसीड ऐप में, और गाइस स्नैपसीड ऐप में आ जाने के बाद फिर आपको जाना है टूल्स पर एंड यहाँ से आपको कर्व टूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड देन इसको आपको लाइट इंक्रीज करनी है सिंपली कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एंड यहाँ से आपको थोड़ी सी इसके बीच में से भी और लाइट इंक्रीज करनी है, देन यहाँ से भी आपको लाइट इंक्रीज करनी है। ओके, फिर क्या करना, आपको यहाँ से रन कर लेना है। अब आ जाना आपको टूल्स पर एंड इसके बाद आपको ट्यून इमेज पर टैप करना है, एंड देन ब्राइटनेस को इंक्रीज करना आपको, और जो कॉन्ट्रास्ट है ना इसको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको हाईलाइट है ना तो हाईलाइट को कैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करना है। ठीक है, फिर आपको सिंपली डन कर देना है। इतना हो जाने के बाद फिर आ जाना टूल्स पर एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको जहाँ पर भी डार्क हो सबसे पहले आप यहाँ से इसकी लाइट को इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पर, सो हमने जिसकी लाइट इंक्रीज कर लिया, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी ज़्यादा अंतर आ चुका है फेस में। बट आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमारा फेस ना काफ़ी फट गया है और बिल्कुल फोटो बेकार लग रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आपका भी इस टाइप से फोटो है और फट रहा है, अब आप उसको HD कैसे कर सकते हो? सबसे पहले हम HD करेंगे, फिर इसका हम फेस स्मूथ करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। तो गाइस, आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पर शेयर वाले बटन पर टैप करना है और आपको ऐप की जरूरत पड़ेगी, उस ऐप का नाम है रेमनी। ठीक है, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा ये वाला ऐप, देख लीजिएगा आप, ये ऐप आपको आसानी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे इस पर टैप करते हैं और इसमें हम आपको फोटो काफ़ी तगड़ा HD कर देगा ये ऐप। ठीक है, वन क्लिक में। तो जैसे कि सबसे पहले हम ऐप को ओपन होने देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ओके, फिर आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने मिलेगा, फिर आपको एनहेंस पर टैप कर यहाँ से फुल एनहेंस पर टैप करना है। ठीक है, तो सॉरी मैंने मोबाइल डेटा ऑन ऑफ करके रखा है, इसमें आपको मोबाइल डेटा ऑन रखना है। ठीक है, तो जैसे कि हम वापस कर लेते हैं यहाँ पर फुल एनहेंस। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और आपको एड वॉच कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं वीडियो कट कर लूँगा ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। सो गाइस, आप देख सकते हो कि हमारा फेस पहले कुछ ऐसा था, आप देख सकते हो, फोटो हम जूम करते हैं और यहाँ पर इसने वन क्लिक में कितना अच्छा सा हमारे फेस को बढ़िया सा HD कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो पहले हमारा फोटो कुछ इस टाइप से बेकार सा, यानी अभी यहाँ पर आप देखिए कितना बढ़िया सा इसने हमारे फेस को यहाँ पर कर दिया है। ठीक है ना गाइस, तो आप कुछ इस ऐप से अपने फेस को आप काफ़ी अच्छे से HD में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस आप देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, इस फोटो को सिंपली यहाँ से सेव कर लेना है अपनी गैलरी में, तो यहाँ से हम सेव कर लेते हैं गैलरी में। सो गाइस, जिसके हमारा फोटो ऐड हो चुका है गैलरी में, अब क्या करना है कि इस फोटो को आपको शेयर करना है अपने ऑटोडेस्क ऐप में। ठीक है, वहाँ पर इसका हम फेस को स्मूथ करेंगे काफ़ी तगड़ा सा, तो वहाँ पर आप ब्रश की सेटिंग ध्यान से समझना। तो जिसके हमारे स्केचबुक ऐप यहाँ पर ओपन हो रहा है सिंपली। सो गाइस, यहाँ पर हमारा फोटो ऐड हो चुका है यहाँ पर स्केचबुक ऐप में। ठीक है, अब ध्यान सबसे पहले जाना आपको ब्रश पर एंड आपको जो है स्क्रॉल करते हुआ जाना है एंड आपको ये वाला ब्रश ले लेना है सिंपली, इसमें राउंड ब्रिस्टल ब्रशेस का नेम देख लीजिएगा, फिर इसकी सेटिंग पर आ जाना है। आपको 3% फ्लो रखना है और 10% स्ट्रेंज रखनी है और ऊपर ब्रश टाइप में आपको इसमें सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको एडवांस पा देना है एंड यहाँ से NIB और आपको शार्प और टेक्सचर दोनों को ऑफ रखना है और 10% हार्डनेस रखनी है। ठीक है, तो ये सेटिंग आप ध्यान से समझ लीजिएगा और नहीं हो तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। फिर आ जाना अपने फेस की तरफ, जूम करना अच्छे से और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रब करना स्टार्ट कर देना है, तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा सा हमारा फेस यहाँ पर स्मूथ हो रहा है। तो गाइस, आप बिल्कुल इसी तरह से अपने फेस को काफ़ी बढ़िया से स्मूथ कर सकते हो। ठीक है मेरे जान, तो जैसे कि यहाँ पर हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना, तो मैं क्या करूँ, फटाफट से अपने फेस को स्मूथ यहाँ पर कर लेता हूँ। सुबह जब आप देख सकते हो कि कितना प्यारा यहाँ पर हमारा फेस जो स्मूथ हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, जिसका आप देख सकते हो। मैंने कहा था उस टाइप का आपको बिल्कुल अच्छा सा फेस स्मूथ कर दिया है मैंने। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब हमारे लिप्स पर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको लेयर किट करना पड़ेगा, लेयर किट कर लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या जाना है, पेंसिल वाला आइकन और यहाँ से आपको जो मीडियम ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, तो जिसका मीडियम ब्रश ये रहा, फिर आपको जाना है कलर पर एंड आपको कलर जो भी ऐड करना है वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या है कि जैसे कि पिंक कलर ले लेता हूँ सिंपली। ओके, फिर आपको अपने लिप्स पर अच्छे से कलर को ऐड कर लेना है। ठीक है ना मर्जा, ओके, तो आप देखिए अब जैसे लिप्स पर कलर ऐड कर लिए, फिर आपको जाना है यहाँ पर वापस आ जाना आपको लेयर पर और लेयर पर टैप करना है और आपको इसको ओपेसिटी कम कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको नॉर्मल मोड को क्या करना है, सिंपली आपको इधर आ जाना है एंड यहाँ से आपको लाइनर बर्न कर देना है। ठीक है, लाइनर बर्न, ओके,
फिर आपको इसकी ओपेसिटी कम कर लेनी है सिंपली, यहाँ पर हम कर रहे हैं जैसे कि 22%। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि गाइस यार मैंने कहा था उस टाइप का सेम आपको फेस स्मूथ मैंने करना सिखा दिया ही, और वो भी काफ़ी बढ़िया, और मैंने HD में आप देख सकते हो कितना अच्छा मैंने फेस यहाँ पर स्मूथ किया है। तो आप गाइस यही ब्रश की सेटिंग और अच्छे से अपने ध्यान लगाकर फेस को स्मूथ करते हो तो आपको बिल्कुल इसी टाइप का फेस स्मूथ होगा यहाँ पर। सो आई होप कि आप सीखे होंगे यार फेस स्मूथ करना, और गाइस यार सीख गए हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो गाइस फिर मिलते हैं ऐसे को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार बाय बाय।